गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोज के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर का लास्ट क्लास है, ठीक है। और इस क्लास में अपने लॉन्ग आंसर्स को और अपने एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस लास्ट क्लास में बने रहिए अंत तक, ताकि आपके सारे डाउट्स, सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड हैं, वो समाप्त हो जाएँ। तो आइए देन करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग आंसर्स को, ठीक है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिए, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट है, ठीक है। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन, ठीक, 150 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों से अधिक में आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वॉज द फियर ऑफ डगलस, ठीक, यानी डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम, ठीक, इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह कैसे डगलस के लाइफ में आया। अब इसके आंसर को समझते हैं। द फियर ऑफ डगलस वॉज रिलेटेड टू वाटर, तो जो डर था डगलस का वो पानी से संबंधित था, ठीक। इन द लाइफ ऑफ डगलस, यानी डगलस के जीवन में, देयर हैपेंड, ठीक, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, ठीक, एक घटना हुई, वंस, एक बार, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, यानी जब वह 3 या 4 वर्ष का एक बच्चा था। एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया बीच पर, ही वॉज हैंगिंग, वह पकड़े हुए था, टू हिज फादर, यानी अपने पिता को, व्हेन ही बेब्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्विप्ट ओवर हिम, ठीक, व्हेन द बेब्स, जब लहरों ने नॉक्ड हिम, यानी उसे गिरा दिया, ठीक, डाउन यानी नीचे, एंड स्विप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से गुजर गई, ही ब्यूरीड इन टू द वाटर, वह पानी में दफन हो गया, बट नथिंग सीरियस, लेकिन कुछ गंभीर ना था, हैपेंड यानी कुछ गंभीर नहीं हुआ, एज वाटर, क्योंकि पानी रिटर्न यानी वापस लौट गया, टू द सी इमिडिएटली, यानी समुद्र की ओर तुरंत वापस लौट गया। ओके माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बट, लेकिन डगलस यानी डगलस वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवर पोरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, लेकिन जो डगलस थे वो इस लहरों की पराजित कर देने वाली शक्ति से काफ़ी घबरा गए। सेकेंडली, और दूसरी बार, एट द पूल, यानी तालाब पर, डगलस वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, और दूसरी बार तालाब पर डगलस दूसरों का इंतजार कर रहे थे, एंड और अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय केम, और एक बड़ा आदमी नुमा लड़का आया, दियर यानी वहाँ तालाब पर, एंड थ्री और फेंक दिया डगलस को इनटू द पूल, यानी तालाब के अंदर, जस्ट फॉर फन, यानी मजाक में, एट दैट टाइम, यानी उस समय, डगलस डिडंट नो, यानी डगलस नहीं जानते थे स्विमिंग यानी तैरना, एंड और नियर बी ड्राउंड, और लगभग डूब ही गए थे। ओके माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हार्डली यानी मुश्किल से, समबडी सेव्ड हिज लाइफ, यानी किसी ने उसके जीवन को बचाया, एंड ही कुड एस्केप्ड, और वे बच सके। सो इसीलिए इन डगलस लाइफ, यानी डगलस के जीवन में, द ग्रेटेस्ट फियर वॉज फ्रॉम वाटर, इसीलिए डगलस के जीवन में सबसे बड़ा डर पानी से था। दो यद्यपि लेटर, यानी बाद में, बाई हिज विल पावर, यद्यपि बाद में अपनी इच्छा शक्ति के कारण, ठीक, एंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट, और लगातार प्रयासों के कारण, डगलस ओन ओवर हिज फियर, यानी डगलस ने अपने इस डर पर विजय पाई ऑफ वाटर, यानी पानी के, डगलस ने अपने पानी के इस डर पर विजय पाई, एंड और बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और एक एक्सपर्ट स्विमर बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, ठीक है, यानी तालाब पर डगलस ने कौन सी घटना का सामना किया, यानी किस घटना का सामना किया। व्हाट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इस घटना का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आंसर को समझते हैं। डगलस वॉन्टेड टू लर्न स्विमिंग, ठीक, एट YMCA पूल, डगलस जो थे वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखना चाहते थे, एंड फॉर दिस पर्पज, और इसी उद्देश्य के लिए, ही वेंट टू द पूल, और इसी उद्देश्य के लिए वे तालाब पर जाते, एंड वेटेड फॉर अदर्स, ठीक, और इसी उद्देश्य के लिए वे तालाब पर गए और दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे। आफ्टर सम मिनट, यानी कुछ मिनट के बाद, अब ड्यूजर ऑफ बॉय, यानी एक आदमी नुमा लड़का, कैम यानी आया, दियर यानी वहाँ, प्रोबली लगभग,
18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का, एंड थ्रू डॉगलस इन टू द पूल जस्ट फॉर फन, और मजाक में डॉगलस को तालाब के अंदर फेंक दिया। बट डॉगलस वॉज अनअवेयर, लेकिन जो डॉगलस थे ठीक वो नहीं जानते थे आप स्विमिंग टिल दैट टाइम, लेकिन जो डॉगलस थे वो उस समय तक स्विमिंग सीखना मतलब स्विमिंग करना नहीं जानते थे। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, वे तालाब के तल पर गए, एंड ड्यूरिंग द वे मेड अ स्ट्रेटजी, वे तालाब के तल तक गए और रास्ते में ही उन्होंने एक योजना बनाई, टू हिट द जंप एंड स्विम टू द इज, ठीक, यानी जैसे ही वे उसके तल को छुएंगे एक लंबी छलांग लगाएंगे और तैर कर तालाब के किनारे पर आ जाएंगे। बट एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ, हिज एफर्ट फेल्ड, यानी उनके सभी प्रयास असफल हो गए, नो वन यानी कोई वाज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था टू सेव हिज लाइफ यानी उनके जीवन को बचाने के लिए, ही स्क्रीम्ड, वे चीखे, बट नो डिफरेंस सेम्ड, लेकिन कोई भी अंतर नहीं दिखा। फाइनली अंततः ठीक है, ही सरेंडर्ड एंड बिकम ड्राउजी एंड अनकॉन्शियस, अंततः ठीक उन्होंने हार मान लिया और उनीदा हो गए, फिर बेहोश हो गए और उनीदा और बेहोश हो गए। देन हार्डली, फिर मुश्किल से ही, समवन सेव्ड हिज लाइफ यानी किसी ने उनके जीवन को बचाया फ्रॉम ड्राउनिंग यानी डूबने से। दैट इंसिडेंट यानी वह घटना अफेक्टेड हिज लाइफ यानी उसके जीवन को प्रभावित किया फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वे दोबारा कभी उस पूल पर नहीं गए, उस तालाब पर नहीं गए। नेवर वेंट फॉर फिशिंग, कभी भी मछली पकड़ने के लिए नहीं गए, एंड कनोइंग और नौका विहार के लिए भी नहीं गए, और नौका विहार के लिए भी नहीं गए। एंड देन, और तब, लेटर बाई इनर इंस्पायरेशन, और तब अंदर के इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा से, ही लर्न्ड स्विमिंग यानी उन्होंने स्विमिंग सीखा, एंड फॉर क्लियरिंग रिजुअल डाउट्स, और कुछ बाकी डर को ठीक है क्लियर करने के लिए, स्ट्रगल्ड अलॉट यानी काफ़ी संघर्ष किया ऑफ वेरियस रिस्की लोकेशंस, कई खतरनाक जगहों पर जाकर। एंड देन ही बिकम, और फिर वो बन गए एन एक्सपर्ट स्विमर, एक निपुण तैराक, ठीक है दोस्तों, एक कुशल स्विमर यानी कुशल तैराक। अब यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को, डिस्क्राइब द डॉगल्स स्ट्रगल एट द पूल, यानी ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, यानी उसने अपने जीवन को बचाने के लिए कौन सी योजना बनाई। इसके आंसर को समझते हैं, एट द पूल यानी तालाब पर, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक तालाब पर द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन डगलस वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, यानी तालाब पर द इंसिडेंट टुक प्लेस यानी एक घटना हुई, व्हेन जब डगलस वॉज वेटिंग यानी डगलस इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स यानी अन्य व्यक्तियों का, अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय यानी एक बड़ा आदमी नुमा लड़का वहाँ आया, केम देयर यानी वहाँ आया, एंड थ्रो और फेंक दिया डगलस इन टू द पूल जस्ट फॉर फन, और मजाक में डगलस को तालाब के अंदर फेंक दिया। ओके, एट द सेम टाइम यानी उसी समय डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, और उसी समय से डगलस का संघर्ष जो शुरू हुआ। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, ठीक वो बॉटम यानी तल पर गए, एंड ऑन द वे डाउन और नीचे जाते समय रास्ते में ही प्लांट उन्होंने योजना बनाई, व्हेन जब हिज फिट हिट द बॉटम की जब उनके पैर तल को छुएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप वो एक बड़ी सी छलांग लगाएंगे, कम टू द सर्फेस और सतह पर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट और उस पर सीधे लेट जाएंगे, एंड पैडल टू द इज ऑफ द पूल और हाथ पैर मरकर तालाब के किनारे आ जाएंगे। बट इट सीम्ड लेकिन यह प्रतीत हो रहा था, अ लॉन्ग वे डाउन यानी नीचे जाते वक्त एक लंबा रास्ता प्रतीत हो रहा था, दोस 9 फीट यानी वो 9 फीट बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं तालाब कितने 9 फीट गहरा था, तो दोज 9 फीट यानी वे 9 फीट जो थे वर मोर 90 फीट वे 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर ही टच बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट और इससे पहले कि वे तल को छू पाते उनके जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार थे। ही समोंडेड यानी उन्होंने इकट्ठा किया ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी अपनी पूरी ताकत को, ठीक उन्होंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, हिट द बॉटम और तालाब को छूकर
छलांग लगाई बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वह धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। ही ओपनड हिज आइज, यानी उन्होंने अपनी आँखें खोली, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा। ही ग्रू पैनिले, ठीक वे घबरा गए। ही वॉन्टेड टू कैच अ रोप, ठीक वे एक रस्सी पकड़ना चाहते थे। बट देयर वॉज ओनली वाटर, लेकिन वहाँ पर केवल पानी था। ही वॉज सफोकेटिंग, ठीक वे हाँफ रहे थे। ही ट्राइड टू येल, ठीक वे चीखना चाहते थे, चीखने की कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आया। ठीक है, हिज लेग्स, यानी उनके जो पैर थे, हंग एज डेड वेट, यानी उनके जो पैर थे वो एक निर्जीव भार की तरह लटके हुए थे। पैरालाइज यानी संज्ञा सुन हो गए थे, एंड रिजिड, ठीक और जड़वत हो गए थे। हिज लंग्स, यानी उनके फेफड़े, एस्ट यानी दर्द करने लगे थे। हेड थ्रोब्ड, और जो सर था धक धक करने लगा था। ही वॉज गेटिंग डिजी, उसे चक्कर आ रहा था। अगेन ही ट्राइड, दोबारा उन्होंने कोशिश किया। द वे, यानी वही तरीका। ही थॉट, उन्होंने सोचा। द प्लांट बट फेल्ड, यानी उनकी सोची योजना का। ही थॉट एंड प्लांट, उन्होंने सोचा और योजना बनाई, लेकिन असफल हो गए। द टेरर हैड साइज्ड हिम कम्प्लीटली, जो भय था, ठीक उसने इन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। ही वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर चीख रहे थे। बट हिज स्क्रीम इन हिज थ्रोट फ्रोजन, लेकिन उनकी चीखें उनके गले में ही जम गई थी। नथिंग पॉजिटिव हैपन, कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ। अगेन ही अप्लाइड, ठीक दोबारा उन्होंने अप्लाई किया। हिज स्ट्रेटजी, यानी वही अपनी योजना। बट हिज आर्म्स कुडंट मूव, लेकिन उनकी जो भुजाएं थी हिल नहीं पा रही थी। हिज लेग्स कुडंट मूव, उनके पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। हिज क्राइड फॉर हेल्प बट नो वन केम देयर, ठीक लेकिन कोई वहाँ नहीं आया। एंड फाइनली, और अंततः, ही स्टार्टेड टू बी ड्राउजी, ठीक वो उनीदा होने लगे। एंड बिकम अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गए। ही क्रॉस्ड टू ओबिलियन, वह बेहोशी के संसार में पहुंच गया। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फैला, और जीवन का पर्दा गिर गया। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश, समबडी केम, लेकिन भाग्यवश कोई आया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी जीवन को बचा लिया। समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। हॉट हैंडीकेप स्टेड विद डॉगल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है यानी डॉगल्स के साथ क्या अपंगता लंबे समय तक बनी रही। हॉट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, यानी अपने जीवन से उसे निकालने के लिए उसने क्या किया। इसके आंसर को समझते हैं। अ हैंडीकेप ऑफ वाटर फोबिया स्टेड विद डॉगल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, पानी के डर की अपंगता डगलस के साथ लंबे समय तक बनी रही। ड्यू टू चाइल्डहुड इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया बीच एंड फेटल इंसिडेंट एट YMCA पूल, ठीक है यानी कैलिफोर्निया बीच के और YMCA तालाब के बचपन के घटनाओं के कारण। ही वॉज ग्रेट फियर ऑफ वाटर, वह पानी से बहुत डर में रहता था, पानी से बहुत डरता था। टू रिजॉल्व दिस फियर, और इस डर को समाप्त करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम हिज लाइफ यानी अपने जीवन से, ही लर्नड स्विमिंग, उसने स्विमिंग सीखी बाय एन इंस्ट्रक्टर फॉर 7 मंथ, एक यानी शिक्षक के द्वारा 7 महीनों तक, फॉर 7 मंथ यानी 7 महीनों तक। बट लेकिन बीइंग अनसेटिस्फाइड, लेकिन असंतुष्ट होकर, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और वह असंतुष्ट होकर न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील में गया। डाइव्ड ऑफ, डुबकी लगाई या गोता लगाया। अ डॉग एट ट्रिक्स, और डॉग ट्रिक्स आइसलैंड पर निकला। एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टॉम्प एक्ट आइसलैंड, और झील में 2 मील तैरकर स्टॉम्प एक्ट आइसलैंड पर पहुंचा। डूइंग सच अलॉट, और ऐसे बहुत से प्रयास करके, ही हैड रेजिडुअल डाउट्स, जो उसके डाउट्स बाकी थे। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसके पहला अवसर मिलने पर ही, ही हरीड वेस्ट, वो पश्चिम की ओर तेजी से चल पड़ा। वेंट अप, ठीक है, वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड, यानी टाइटन पर पहुँच कर टू कॉनराड मीडोज, ठीक कॉनराड मीडो तक गया। अप द कॉनराड ग्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर, और फिर कॉनराड ग्रीक से मीट ग्लेशियर
तक गया एंड कैम्प्ड इन द हाई टम्प एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज, और वहाँ के हाई मीडोज में कैंप लगाया, ठीक है, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक यानी गर्म झीलों के किनारे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही स्ट्रिप्ड यानी उसने कपड़े निकाले, डाइव्ड इन टू द लेक और झील के अंदर डुबकी लगाई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एंड स्वयं और तैर गया अक्रॉस टू अदर शेर एंड बेक और झील के दूसरे छोर पर तैर कर गया और वहाँ से वापस आ गया। एंड फाइनली और अंततः ही शाउटेड विद जॉय यानी वह खुशी से चिल्लाया एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको और गिल्बर्ट पीक ने उसकी आवाज़ को वापस कर दिया। दस इसी प्रकार ही कनकर्ड यानी उसने विजय पाली हिज फियर ऑफ वाटर यानी अपने पानी के डर पर। डियर फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट डिड डगल्स डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर यानी डगल्स ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्या निश्चय किया। हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगल्स टू बिकम अ स्विमर यानी डगल्स को स्विमर बनने में कितना समय लगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको। अब यहाँ पर हम लोग इसके आंसर को समझते हैं। ओके, देखिए डगलस वाज अ पर्सन, डगलस एक व्यक्ति था हु अनफॉर्चुनेटली फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन हिज चाइल्डहुड डेज। डगलस एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था जिसने अपने बचपन के दिनों में अनचाही और अनअपेक्षा की गई स्थिति का सामना किया था। ठीक है, टू इंसिडेंट्स यानी दो घटनाएं ऑफ हिज चाइल्डहुड यानी उसके बचपन की विथ द वाटर यानी पानी के साथ मेड हिम स्केर्ड ठीक ऑफ वाटर यानी उसे पानी से भयाक्रांत कर दिया। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम और काफ़ी लंबे समय तक ही स्टेड फार फ्रॉम द वाटर यानी उसने पानी से दूरी बनाए रखी। लेटर बाद में बाई इनर इंस्पायरेशन यानी अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति आंतरिक प्रेरणा की वजह से एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर और पानी की ओर आकर्षण के कारण कंपेल्ड हिम टू गेट क्लोज टू द वाटर अगेन दोबारा पानी के पास जाने के लिए मजबूर हो गया। एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर और अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए ही लर्न स्विम उसने स्विमिंग सीखा अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोच ठीक शिक्षक के अधीन। बट स्टिल ही हैड सम रिजर्वल डाउट्स लेकिन फिर भी उसे कुछ डाउट्स बाकी थे, कुछ संदेह बाकी थे। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेजिडुअल डाउट्स और उस बचे हुए संदेह को क्लियर करने के लिए ही वेंट टू मैनी लेक्स वह कई झीलों पर गया, डॉक्स पर गया एंड आइसलैंड्स पर गया एट डिफरेंट लोकेशंस और अन्य अन्य जगहों पर गया। ही स्वयं माइल्स ऑफ डिस्टेंस उसने मीलों दूरी ठीक तैर कर पूरी की, क्रॉस्ड पार किया होल लेक्स यानी सभी झीलों को अप एंड डाउन यानी इस छोर से दूसरे छोर तक। वेंट टू मीडो एंड ग्लाइशियर्स और मैदानों में और ग्लाइशियर्स पर गया एंड गेंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और वहाँ से बहुत सारा कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास प्राप्त किया। एंड और एक्सपीरियंस यानी अनुभव ठीक है, समटाइम्स यानी कभी कभी व्हेन ही वॉज इन द मिड ऑफ वाटर कभी कभी जब वो पानी के बीच में होता था द ओल्ड टेरर रिटर्न यानी पुराना डर वापस आ जाया करता था। बट ही पुट हिज फेस अंडर लेकिन वह अपना चेहरा अंदर करके एंड लॉफ्ट हंसता एंड सेड और कहता वेल अच्छा मिस्टर टेरर मिस्टर आतंक व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो यू कैन डू टू मी क्या तुम मुझे डरा सकते हो। द टेरर फ्रेड एंड ही स्विम ऑन जो डर था वो भाग गया और वह तैरकर आगे आ गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, दस इसी प्रकार विथ अ लॉन्ग एंड डेडिकेटेड एफर्ट इसी प्रकार बहुत ही बड़े और डेडिकेटेड एफर्ट्स ठीक है इसी प्रकार बहुत से बड़े और समर्पित प्रयासों से डगलस बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर डगलस एक निपुण तैराक बन गया। इट टुक अबाउट 11 to 12 months ऐसा होने में उसे 11 से 12 महीने लगे टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्विमर एक आत्मविश्वासी तैराक बनने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द इंसिडेंट एट YMCA पूल आफ्टर डगलस, यानी YMCA पूल में हुई घटना से डगलस किस प्रकार प्रभावित हुए। आंसर को समझते हैं। द नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, ठीक है, यानी डूबने के अनुभव ने डगलस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इट लेफ्ट अ हॉन्टिंग इन हिज हार्ट, उसने हृदय से शिकार करना छोड़ दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग गोइंग नियर इट, ठीक, वह अत्यधिक डर गया था पानी से और अवॉइड करता था, ठीक, बचता था इसके पास जाने से, पानी के पास जाने से। होनेवर जब कभी ही कुड, उससे बच सकता था। द फियर डिप्रिव्ड, जो डर था वो वंचित कर देता हिम, यानी उसे, ऑफ जॉय ऑफ बोटिंग, यानी नौका विहार के आनंद से, एंड फिशिंग, और मछली पकड़ने के, एंड डिस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ, और उसका सामाजिक जीवन बर्बाद कर देता था। दिस इंसिडेंट, यह घटना, अफेक्टेड यानी प्रभावित करती थी हिज लाइफ, यानी उसके जीवन को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी इस घटना ने उसके जीवन को काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज योर लास्ट आंसर, और अब हम बढ़ते हैं अपने MCQ की ओर, ठीक है, इसमें हम समझते हैं। देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड अ फ्रेज दैट कंप्लीट द सेंटेंस फॉर्म द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें हमें चूज करना है जो हमारा सही विकल्प है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, देयर वॉज अ पोल एट YMCA, ना, तो YMCA कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। एंड यहाँ पर देखिए सेकंड है, फ्रॉम द बिगिनिंग डगलस हैड एन, क्या था, यानी शुरुआत से ही डगलस क्या था भैया, घृणा था पानी से, तो एवर्जन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एंड थर्ड देखते हैं, द वाटर वॉज स्टिल, यानी जो पानी था वो शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज, यानी जो पानी था शांत था और उसका जो तल था किस प्रकार था, बाथ टब के जैसा साफ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। एंड यहाँ पर देखिए जो 4th है हमारा, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे टू डाउन एंड दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 feet। राइटर क्या कह रहे थे कि जब वे नीचे जा रहे थे तब वे 9 feet, ठीक है, उन्हें 90 feet से भी ज़्यादा प्रतीत हो रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। एंड यहाँ पर देखते हैं 5th, इनसाइड द पूल, यानी तालाब के अंदर, द नरेटर स्क्रीम्ड, यानी तालाब के अंदर नरेटर ने, यानी लेखक ने चीखा, बट ओनली वाटर, केवल पानी ने उन्हें सुना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, ओनली हिज हार्ट, केवल उनके हृदय, एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड, ठीक, केवल उनका हृदय और उनके सर की धड़कन, ठीक है, सैड यानी कह रही थी, ही वॉज स्टिल अलाइव, कि वे अब भी जिंदा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ही स्टार्टेड डाउन, यानी उन्होंने नीचे जाना शुरू किया, ठीक है, थर्ड टाइम, यानी तीसरी टाइम, एंड स्यूक्ड, और निगला फॉर एयर, यानी हवा लेनी चाहिए, लेकिन एंड गॉट वाटर, और पानी निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, यानी ऑप्शन नंबर 7 का 1st सही है, यानी 7 का ऑप्शन नंबर 1st सही है। यहाँ पर देखते हैं अर्थ को, अ फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ वर्षों बाद, व्हेन ही केम टू नो, जब उन्हें पता चला द वाटर्स ऑफ कैस्काडेस, यानी झरनों के पानी के बारे में, ही वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, वे उसके अंदर जाना चाहते थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑन, ठीक है, 1st अक्टूबर, यहाँ पर देखिए ऑन 1 अक्टूबर ही डिसाइडेड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। यहाँ पर देखते हैं 10th का हमारा, इन अप्रैल हो जाएगा हमारा, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही टीचर ने कहा था कि अब आप तैर सकते हो, ठीक है, तो इन अप्रैल, यानी अप्रैल के महीने में ही सेड, यानी उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब की लंबाई को तैर कर पार करो क्राउल स्ट्रोक में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हेन डगलस वॉज इन मिडिल ऑफ द लेक, जब डगलस झील के बीच में होते थे, ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर, उन्होंने अपना जो फेस था पानी के अंदर किया, एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा, किसके सिवाय, पानी के सिवाय, ठीक, बॉटमलेस पानी के सिवाय, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एंड यहाँ पर 12 देख सकते हैं, रूजवेल्ट सेड, यानी रूजवेल्ट ने क्या कहा था,
ऑल वी हैव टू फियर ठीक इज फियर इट सेल्फ, यानी रूजवेल्ट ने कहा था कि जिससे भी हमें डरना है वह स्वयं डर ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके लॉन्ग आंसर जो कि हमारे चैप्टर नंबर थर्ड के थे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर थर्ड द डीप वाटर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को अच्छी क्लास में देख लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको बताया गया है अभी कि देखिए, आपको भी दिखाया भी गया है कि कैसे ये सारे क्वेश्चंस 2020 में पूछे गए थे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारियाँ करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। सी यू टुमॉरो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।